हम रॉस टू का इंटरफेस बनाना सीखेंगे, यानी रॉस टू में कस्टम मैसेज बनाना सीखेंगे। हमने रॉस टू में पिछली वीडियो में समझा कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस में मैंने बताया था कि जब मैसेज फाइल बनानी होती थी तो हम क्या करते थे, उसमें हम स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर को बताते थे और सिर्फ एक सिंगल डेटा स्ट्रक्चर को बताते थे। अब हमें मल्टीपल चीज़ें यूज करनी है तो मल्टीपल यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग इंटीजर वो अलग अलग है। तो आज हमने पैकेज बनाने जैसे सीखा था, तो पहले जब हम पैकेज बनाते थे तो क्या करते थे, जब पाइथन पैकेज बनाना सिखाया था तो मैं क्या लिखाता था, रॉस टू पैकेज फिर क्रिएट पैकेज नेम, उससे रिलेटेड डिपेंडेंसी बिल्ड टाइप ये सारी चीज़ कराते थे। पर आज हम जब पैकेज बनाएंगे तो कोई भी ना डिपेंडेंसी ऐड करनी है ना मुझे पैकेज ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ों को डिफरेंस समझेंगे, देन हम खुद का बनाना सीखेंगे। तो आज मैं एक इंटरफेस बनाना सिखाऊंगा। तो पहले आपको कैसे बनाएंगे, सी डी में एस आर सी के अंदर जाना है सबसे पहले। इसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है रॉस टू पी के जी और इसके बाद रॉस टू पी के जी क्रिएट, मतलब रॉस टू में मुझे पैकेज क्रिएट करना है। देन इन जो मुझे पैकेज का नाम रखा, मैंने इंटरफेसेस इंटरफेस लिखूंगा और वन लिख दिया। मैंने पैकेज का नाम क्या रखा, रॉस टू इंटरफेस पैकेज वन, तो मेरा एक इंटरफेस बन के तैयार हो गया। तो अब देख सकते हैं सी डी, ठीक है, सी डी पैक। पहले मैं आपको पैक दिखाऊंगा, आपका पैक कैसा दिखता है। एल एस तो पैकेज में, पैक के अंदर क्या है, पैक फाइल है, पैकेज डॉट एक्स एम एल फाइल है, रिसोर्स फाइल है, सेटअप डॉट सी एफ जी फाइल है, सेटअप डॉट पी वाई फाइल है, टेस्ट टेस्ट फाइल है। बट अब जो हमने इंटरफेस बनाया तो उसमें कैसा दिखता है, सी डी इंटरफेस इंटरफेस वन। अब इसके अंदर देखेंगे कि फाइल क्या आएगी, cmaclist.txt फाइल इंक्लूड पैकेज डॉट एक्स एम एल और एस एस, हमें दोनों में कॉमन फाइल कौन सी मिली, पैकेज डॉट एक्स एम एल। हमें यहाँ पे दो फाइलों पे काम करना है, cmaclist.txt और पैकेज डॉट एक्स एम एल। जब भी हम इंटरफेस इस तरह से बनाए तो बाई डिफॉल्ट वाला वो सी प्लस प्लस का इंटरफेस बना के आपको देता है, ठीक है। अब ये जो मैंने इंटरफेस बनाया था ये सी प्लस प्लस का, पर यहाँ पर हमने डिपेंडेंसी ऐड नहीं की, तो हमें सारी वो डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है जब पूरा हमें सी प्लस प्लस का बनाना है। पर यहाँ पर मुझे सी प्लस प्लस वाली चीज़ यूज नहीं करनी थी तो मैंने काम नहीं किया, इंटरफेस से रिलेटेड डिपेंडेंसियों को ऐड नहीं किया, ठीक है। अब ये चीज़ की लिया है, अब हमें सबसे पहले क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो वो सारी चीज़ें को हमें करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना इंटरफेस वाला पैकेज, जो इंटरफेस वाला पैकेज है उसको विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेना। अब मेरा एक ऑलरेडी इंटरफेस वाला पैकेज है, तो मैं उसी चीज़ में आपको सीधे दिखाऊंगा जिससे आपको सारे कन्फ्यूजन क्लियर रहे, बाद में कन्फ्यूजन नहीं रखना चाह रहा। तो यहाँ पर आप जैसे मैं इंटरफेस बनाया तो मैं इस इंटरफेस पे काम करूँगा, बात सेम ही दोनों में होगी, आपको वही चेंजेस आपको इंटरफेसिस वन में भी करने हैं जो पैकेज आप बनाएंगे अपने नाम का। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पर फाइल में मैंशन किया, ये पैकेज बनने के बाद मुझे क्या नेक्स्ट चीज़ करनी है, ये पैकेज डॉट अपडेट करना है मुझे, पैकेज डॉट एक्स एम एल लुक लाइक, ऐसा लुक लाइक होगा। तो आपको कौन कौन सी चीज़ करनी है, पहले ये तीनों चीज़ों को आपको ऐड करना है, किसमें, बिफोर, देखो यहाँ पर लिखा पैकेज डॉट एक्स एम एल, जो बिफोर अपडेट में आपको इस तरह से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं बिफोर अपडेट में, मैं इसी इंटरफेस वन को जब आप खोलेंगे तो जस्ट मैं इसको आपको मैं दिखाना चाह रहा था बिफोर वाला भी सी। तो आपको सबसे पहले एस आर सी में जाना होगा और इंटरफेस वन में जाना और सिंपल सा मुझे पैकेज पैकेज डॉट एक्स एम एल। तो आपका पैकेज डॉट एक्स एम एल किस तरह से दिखेगा, इस तरह से पहले दिख रहा होगा, जस्ट इस तरह से। अब मुझे एक्चुअली इसमें क्या क्या मुझे ऐड करना है, ये दो पार बिल्ड डिपेंड रॉस आइडियल डिफॉल्ट जनरेटर, डिफॉल्ट जनरेटर ये क्या है, आइडियल जो इंटरफेस के डिफॉल्ट फाइलें होती हैं, लाइब्रेरी जो होती हैं वो आइडियल, मतलब इंटरफेस डिफॉल्ट लाइब्रेरी, जो डिफॉल्ट लाइब्रेरी होती है वो जनरेट कर देता है बिल्ड डिपेंडेंसी से। exec डिपेंडेंट से होता है एग्जीक्यूटेबल डिपेंडेंसी, जो लाइब्रेरी होती है रन टाइम के लिए यूज होती है, तो आइडियल डिफॉल्ट रन टाइम से वो सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अब और साथ में मेंबर ऑफ ग्रुप, जो हम आइडियल इंटरफेस पैकेज को ऐड करेंगे तो मेंबर ऑफ ग्रुप को एक बनाना है, जितने हमें जो इंटरफेस पैकेज ऐड करेंगे तो वो ये इससे चीज़ें होती हैं। अब हमें क्या करना है, जब ये ऐड कर लेंगे तो आपको जाना है सिंपल सा cmaclist में। cmaclist आपको शुरुआत में कैसे दिखेगी वो भी आपको मैं यहाँ से खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपकी किस तरह से दिखेगी, इस तरह से दिखेगी, तो आप इस तरह से दिखेगी। इसमें से इतनी चीज़ तो आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है फाइंड पैकेज रॉस आइडियल डिफॉल्ट जनरेटर, जो हमने पैकेज डॉट एक्स एम एल में किया था डिफॉल्ट जनरेटर, जो आपको क्या बिल्ड डिपेंडेंसी को कहता था, तो बिल्ड डिपेंडेंसी चीज़ जितनी होती थी वो क्या होता था, उसको हम cmaclist में फाइंड पैकेज उसको करेंगे और एक्वायर करेंगे, मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है हमें जितनी फाइंड पैकेज ऐड करने तो हम यूज कर सकते हैं डिपेंडेंसी, ठीक है। अब देन रॉस आइडियल जनरेट इंटरफेसिस में जाए लिखेंगे और उसमें प्रोजेक्ट नेम लिखेंगे, प्रोजेक्ट नेम जो हमने पैकेज का नाम रखा होगा वो प्रोजेक्ट नेम होता है, तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट ले लिया। और इसके बाद जो हमने मैसेज फाइल बनानी है आपको इसी में, किसमें, अपने
फोल्डर में, तो आपको मैसेज जैसे बनाना है फोल्डर कैसे क्रिएट करना, तो आप इसमें क्लिक करेंगे, जैसे मान लो मुझे मैसेज करने के बाद मैसेज बनाने फोल्डर तो बन गया, तो अब मुझे ये ज़रूरत नहीं तो मैं डिलीट मार दूंगा, बट आप इस तरह से बना दें। और देन जब बन जाएगा तो फिर आपको क्या करें, प्लस वाले आइकन में क्लिक करेंगे और फाइल बना सकते हैं। अब फाइल बनाएंगे, यहाँ पर देखो मैंने स्ट्रिंग लिखा, ये क्या है डेटा टाइप है, और दूसरा ये क्या है जिसकी सहायता से हम एक्सेस करना है ये फाइल का, ये क्या है डेटा एक्सेस का तरीका, ये वेरिएबल है फील्ड है, ठीक है, ये क्या है डेटा है और ये क्या है फील्ड है, ठीक है, ये इसे बोलते टाइप भी बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं फील्ड भी बोलते हैं। इन 32 टाइप है और फील्ड है। ये मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जब मैं एक अभी मैं इसमें बात पब्लिशर सब्सक्राइबर है, पब्लिशर क्या करेगा एक स्ट्रिंग को भेजेगा, सब्सक्राइबर क्या बताएगा उसकी लेंथ बताएगा, इसके लिए मैंने ये यूज किया है, तो इसलिए मैंने दोनों को यूज कर दिया। हम यही चीज़ क्लाइंट सर्वर के थ्रू भी करना सीखेंगे, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है, मेरे साथ ऐड करना है, फाइल का मैंने नाम लिखा मैसेज फोल्डर के अंदर है kus1.msg। अब ये सब चीज़ होने के बाद मुझे क्या करना है, वापसी आना है cd डॉट डॉट और क्या करना है कॉल कॉन बिल्ड, जो मैंने आपको सिखाया था, जैसे आप करेंगे तो आपकी बिल्ड डिपेंडेंसियाँ हो जाएंगी, कॉल कॉन बिल्ड, और आप देख सकते हैं सक्सेसफुल ये कॉल कॉन बिल्ड मेरा बनने के बाद। अब आपको चीज़ें देखनी है, विजुलाइज करनी है थी मेरी ये डिपेंडेंसी कहाँ विजुअल बना है, तो ये सारी चीज़ होने के बाद अगले इसी जो इंटरफेस हमने बनाया इसी इंटरफेस को हम यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, हम अपने पैकेज के अंदर ही इस इंटरफेस को यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है वापसी कहाँ पर, हमें जाना है बिल्ड के अंदर, और बिल्ड के अंदर देख सकते हैं मेरा इंटरफेस बना है, उसके अंदर देख सकते हैं ये सारी फाइलें आई हुई हैं। बट अब देखो आइडियल डिफॉल्ट जनरेटर फाइल आई है, आइडियल जनरेटर सी पाइथन से रिलेटेड जितनी हमें यहाँ पर जो सारी चीज़ें होंगी फाइलें, वो सारी फाइलें जो आपने यूज की हैं वो सारी आई होंगी। इंस्टॉल के अंदर आप देख यहाँ पर देखेंगे इसके इसी तरह इंटरफेस बन की होंगी, आप इंस्टॉल में जाएंगे तो आपका इंटरफेस बना होगा, इंटरफेस के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर लोकल जो शेयर फाइल आप बनाएंगे तो ये शेयर फाइल यहाँ पर सारी मिलेंगी, इंक्लूड्स के अंदर जाएंगे तो आपका इंटरफेस के अंदर जाएंगे, और इंटरफेस के अंदर जाएंगे तो मैसेज जो आपने बनाई फाइल बनाना चाहे तो ये देखो मैसेज फाइल बन जाती है। तो आपको कहाँ पे जाना है, सबसे पहले एक बार वेरीफाई करना है, जब सक्सेसफुली आपको बिल्ड हो जाएगा तो सबसे पहले आपको कहाँ पे खोलना है, ये सारी चीज़ मैंने बताई, इंस्टॉल में जाना है, इंस्टॉल के अंदर इंटरफेस के अंदर जाना है, इंटरफेस में आपको इंक्लूड के अंदर जाना है, इंक्लूड के अंदर इंटरफेस मिलेगा, फिर इंटरफेस मिलेगा MSG मिलेगा फोल्डर, आपको MSG फोल्डर के अंदर kus1.h फाइल जनरेट हो गई, यदि मैंने मैसेज वाली बनाई है सर्विस वाली तो वो अलग फाइल जनरेट करेगा, kus1.hpp यहाँ पे हुई, ये दोनों फाइल जनरेट हुई तो आपका सक्सेसफुली बिल्ड हुआ, अदरवाइज सक्सेसफुली बिल्ड नहीं हुआ। तो आपको मैंने आज सक्सेसफुली आपको बिल्ड करना सिखाया, नेक्स्ट वीडियो में इसी का यूज करके हम काम करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।